बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। भाई इस वक्त मैं जद्दा से ही लाइव हूँ आपके साथ, जैसा कि आपको पता है आपके साथ मैं कुछ वीडियो भी शेयर कर रखा हूँ यहाँ से लाइव। तो अभी एक वीडियो का एक न्यूज़ पढ़ रहा था, बाकायदा ये बंदे गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। जद्दा से ये लोग हैं जी, अफगानी है, और दूसरी बात ये भी काबिले गौर है कि अफगानी भी ऐसे काम करते हैं। हालांकि मैंने अफगानी देखे हैं, जितने भी सऊदी अरेबिया में भाई अपना खुद का कारोबार करती हैं और माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो ये अफगानी थे जी, जद्दा से ही इन बंदों ने एक स्टोर बोल रहे हैं, आपके दुकान बोल रहे हैं, बकाला जिसे बोलते हैं, वो कमर्शियल स्टोर यानी कि उसे भाई तोड़ा है, उसे लूटा है। 30,000 रियाल की रकम ये लूटे हैं वहाँ से, उसके बाद ये फरार भी हो चुके थे। लेकिन भाई सऊदी अरेबिया में आपको पता है कोई भी किसी किस्म की दो नंबरी करना, कुछ चोरी वगैरह करना, फिर बाद में पकड़ा ही जाता है बंदा, चाहे कुछ दिन लग ही क्यों ना जाए। तो वही हुआ है जी, ये अफगानी पकड़े गए हैं, 30,000 रियाल की ये रकम लूट चुके थे। हालांकि ये रकम इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये पकड़े गए हैं जी। अभी इनको लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ से निकाला जाएगा, यानी कि ताहयात के लिए बैन किया जाएगा सऊदी अरेबिया में। तो मेरे परदेसी भाई यार, 30,000 क्या एक रियाल भी अगर किसी का पड़ा हुआ है तो चोरी मत करें, आपको खुदा का नाम है। सऊदी अरेबिया में भाई आपके ऊपर इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है।